लाइफ एक चैलेंज है और इस चैलेंज वो डिफरेंट चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत से चैलेंजेस आते हैं। हम सब ने देखा है कि पिछले 3 माह के बाद, 4 माह के बाद पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के अंदर बदल गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सब लोग, पहले तो मेरी दुआ है कि सब लोग, हम लोग सेफ रहें और इसके साथ लड़ें और इसको इसको शिकस्त दें, इस वायरस को। लेकिन इसमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें आपने अडॉप्ट करनी है, हम सब कुछ उसके लिए रेडी रहना चाहिए। इसी तरह खेल के अंदर भी मैं ज़ाती तौर पर अपने लिए ये मैं समझता हूँ कि इस खेल का रिज्यूम होना मेरे लिए ज़्यादा खुशी का बायस है, ना कि वो छोटी मोटी चेंजेस जो मुझे करनी पड़नी है मैं उसके ऊपर एतराज़ करूँ। मेरे नज़दीक इस खेल की कंटिन्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो शायद इस खेल के साथ थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं। विल बी बैक इंशाल्लाह जैसे ज़िंदगी नॉर्मल होगी, लेकिन इस वक्त हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे चैलेंजेस आए मेरी लाइफ के अंदर कि मेरा ये थंब जो है 2 साल पहले 1.5 साल पहले ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ, इंजरीज हुई हैं मेरे कैरियर में मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन तमाम चीज़ों से लड़ने के बाद दोबारा से इस खेल को कंटिन्यू किया। इसी तरह इस इंजरी के बाद बहुत मुश्किल लग रहा था, शायद मुझे लग रहा था कि मैं क्रिकेट ना खेल सकूं, लेकिन जब मैं वापस आया तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ने के इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरे नज़दीक ये मैं ज़ाती तौर पर रेडी हूँ और आई एम श्योर कि पूरी दुनिया के प्लेयर इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि इस खेल को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना भी अगर ज़रूरी है तो हमें करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर कोई भी नई चीज़ हमने अडॉप्ट करनी है तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए ताकि ये खेल कंटिन्यू रहे।